ठीक है, तो हम देखेंगे याग यंत्र, ठीक है। तो दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में। एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो डाइपोल है जिसको हम वायर से फीड देते हैं, ठीक है। एक इसके पीछे रिफ्लेक्टर है, एक इसके आगे छोटा स्मॉल साइज मेटल एलिमेंट कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं डायरेक्टर। ये मेन एलिमेंट है, ये पैरासिटिक है, ये इन दोनों से एक्साइट होता है, इससे ये दोनों एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है स्ट्रक्चर, तीनों एलिमेंट एक रॉड के ऊपर माउंटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के एंटीना पहले जमाने में यूज करते थे ना, यहाँ पर ये ऐसे स्टैंड होता था, उसके ऊपर ये, ठीक है, ये फीड लाइन जाती थी, ये फीड लाइन जाकर के टीवी को जुड़ती थी, ठीक है। तो और ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें गेन, जहाँ वेरी हाई डायरेक्टिव गेन है ना, बहुत ही डायरेक्शनल बीम होता है ना, हाईली डायरेक्शनल बीम। तो गेन अप टू 20 dBi वी कैन अचीव, 20 dBi बहुत ज्यादा गेन होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, सपोज ये रिफ्लेक्टर है, ये डाइपोल है जिसमें दो फीड जा रही है ना, तो ये डायरेक्टर है, तो इसका जो जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो इस तरह बहुत शार्प, 20 dBi में बहुत शार्प, इधर बहुत स्मॉल रेडिएशन होगा दूसरी साइड में, इधर बहुत शार्प, तो इट कैन कैच वेरी वीक सिग्नल्स, इतना ये ना हो बहुत वीक सिग्नल कैच कर सकता है। और ये एज ए सर्च बीम यूज हो सकता है ना, जब शार्प गेन है इसका, शार्प रेडिएशन पैटर्न सर्चिंग के लिए, जैसे वहाँ टॉर्च की लाइट जिस तरह से होती है ना, सर्च बीम आपने देखे होंगे, जहाँ फोकस बीम होता है सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपने एनिमल प्लैनेट वगैरह जो हमारे टीवी पर जो आते हैं चैनल्स, डिस्कवरी वगैरह, उसको देखा होगा आपने, इस तरह का एंटीना बोलो यूज करते हैं एनिमल्स को सर्च करने के लिए, लाइक लायंस है वो, उनके कॉलर में एंटीना लगा होता है, RF कॉलर होते हैं वो, तो उनको इस तरह के एंटीना से सर्च करते हैं, क्योंकि इनका जो बीम होता है ना बहुत शार्प होता है, सर्च करना आसान है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत हो गई। अब अगर हम डिजाइन देखें, देखें तो हम टेक्निकली अगर पढ़े इंजीनियरिंग के हिसाब से, तो देखते तो हम लोग ने पढ़ा था एरे है ना, सपोज मैं ये ले लेता हूँ वाई एक्सिस, ये मैं ले लेता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है। और सपोज मैंने एक एंटीना, एक एक डाइपोल ले लिया ऐसे, ठीक है, और एक डाइपोल और इसके साथ में ले लिया, ठीक है, इसके पैरेलली एक डाइपोल। इस पॉइंट पी पर मुझे सपोज फील्ड निकालना है ना, इस पॉइंट पी पर मुझे रेडिएशन रिलेटेड फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा ओरिजिन है ना, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस काट रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज आर है ना, सपोज इसका डिस्टेंस आर है ना, सपोज ये डिस्टेंस है आर, और सपोज ये जो एंटीना है दोनों, इनके बीच का गैप है डी, याद है ना एरे में हम ऐसे गैप लेते थे। तो ये जो सेकंड एंटीना है, सेकंड डाइपोल जो है, इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, अगर ये एंगल थीटा है ना, ये तो आर तो यहाँ हो गया लॉन्ग डिस्टेंस पर, ये एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, आर प्लस डी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ होगी हमारी आर प्लस डी कॉस थीटा। टोटल यहां से यहां तक की लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर प्लस डी, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
सपोज ये जो पहला एलिमेंट है इसमें करंट दे रहा हूँ I1, ये जो दूसरा एलिमेंट है ये वाला इसमें करंट दे रहा हूँ मैं I, ठीक है बच्चा। तो ये इस तरह से इसको आप सॉल्व, सपोज I1 जो करंट दे रहा हूँ मैं पहले एलिमेंट में, तो मैं इसको सिंपल ढंग से बना लेता हूँ, है ना। सिंपल ढंग से मान लो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना पहले, सपोज ये पहला जो एलिमेंट है इसमें मैं करंट दे रहा हूँ I1 और दूसरे में सपोज ये I1 है मेरा 1 एम्पियर, ठीक है फेज 0, और सपोज ये I2 है मेरा 0.7 एम्पियर विथ फेज एंगल 7π/4। 7π/4 को हम, 7π/4 कितना होगा, 140 डिग्री, ठीक है। एक खास एंगल यागी ने खास एंगल पे लेके टेस्ट किया इसको, है ना। सपोज हम इतना दें व्हाट विल हैपन, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट रेडिएशन कैसा होगा, है ना। इस केस में हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, ये पी, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर प्लस डी कॉस, बीच का गैप है डी, राइट। तो हम पॉइंट पी पर निकालते हैं फील्ड कितना होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी क्या होता है, यूनिट पैटर्न इनटू एरे फैक्टर, है ना। और एरे फैक्टर इस केस में क्या आएगा, है ना। हमने देखा था दो टू एलिमेंट एरे देखी थी हमने, क्या आता था, I1 प्लस I2 e रेस पावर -j बीटा डी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू ई रेस पावर जे अल्फा, ये आता था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज रखते हैं इसमें, I1 की वैल्यू ये है ना, इसको देखते हैं ये पार्ट क्या कहलाता है। तो पहले वैल्यू रख देते हैं इसमें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा यूनिट पैटर्न, यूनिट पैटर्न लो एक एक डाइपोल का जो पैटर्न होगा वो फील्ड, उसका उसका इक्वेशन, उसकी वैल्यू इनटू ये I1 का आ गया हमारा कितना, 1 मिली 1 एम्पियर, 1 प्लस I2 रख देते हैं 0.7 एम्पियर विथ फेज एंगल 7π/4, सेवन फाइव बाई 9 है, सॉरी मैंने 4 नोट करा दिया आपको, नहीं 9 मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, चश्मा लगा लिया। तो 7π/9, ठीक है, ये आ गया हमारा ये, और इनटू e रेस पावर j बीटा डी कॉस थीटा e रेस पावर जे अल्फा। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, हम देखा ना इसमें पैटर्न मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, जो लास्ट में रिजल्ट आता है जब एरे में, तो एक होता है यूनिट पैटर्न, बाकी जो होता है उसके अलावा उसको हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं उसको, सुन कहते हैं एरे फैक्टर। यूनिट पैटर्न तो वही होता है जो सिंगल डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न होगा, एरे फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से फाइनल रेडिएशन पैटर्न आता है ना, एरे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एरे फैक्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा एरे फैक्टर आ गया फिलहाल, पी एफ कह देता हूँ मैं उसको, 0.7 वन प्लस है, 1 प्लस 0.7 एंगल 7π/9
जे बीटा डी कॉस थीटा माइनस साइन है यहाँ पर, ई रेज पावर जे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व, यह है बीटा, बीटा कितना होता है, कौन बताएगा ये बीटा कितना होता है? बीटा क्या होता है? 2π/λ, है ना। और इसमें रखते हैं हम बीटा 2π/λ, सपोज बीटा इक्वल 2π/λ, और डी सपोज हम लेते हैं, डी की डिफरेंट वैल्यूज इसने ट्राई किया यागी ने, तो डी इक्वल टू λ/8 पे कुछ खास रिजल्ट्स मिले, इन दोनों को हम यहाँ पुट, ठीक है। सी बात ठीक है, ना। ये अल्फा क्या था? अल्फा था सेकंड करंट का एंगल, है ना, तो ये एंगल की जगह 7π/9 आ जाएगा इस जगह, है ना, तो मैं इसको मिटा के 7π/9, 7π/9, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, सिंप्लीफाइड इक्वेशन में अल्फा था ना इसका, करंट, दोनों करंट का फेज डिफरेंस, ठीक है। ये आगे इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो लेट अस सी व्हाट वी गेट। एरे फैक्टर हो जाएगा हमारा 1+0.7। अच्छा बीटा डी कितना आएगा? बीटा डी पहले निकाल लेते हैं, बीटा डी आएगा हमारा, बीटा है 2π/λ, डी है λ/8, तो वी गेट 5/4, ठीक है ना, तो वी गेट 5/4, तो बीटा डी आ गया हमारा 5/4। हम इक्वेशन में लिख देते हैं, हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये एरे फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1+0.7 ई रेज पावर -j, बीटा डी की जगह आ गया 5/4 कॉस ऑफ थीटा ई रेज पावर जे 7π/9, ये आ गया हमारा एरे फैक्टर, ठीक है। अब इस एरे फैक्टर को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1+0.7, दोनों ई रेज पावर है, ये भी ई रेज पावर है, ई रेज टू पावर जे, ये प्लस में है ये माइनस में है, जे 7π/9 -π/4 कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारा एरे फैक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारा एरे फैक्टर। एरे ठीक है, तो सपोज अगर मैं पुट करूँ, सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूँ, तो ये मेरा एरे फैक्टर क्या आ जाएगा, 1+0.7 ए पावर जे 7π/9 -π/4 कॉस 0 कितना होगा, थीटा इक्वल 0 पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे आ गया 1, कॉस थीटा की जगह पर आ गया होगा, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया एरे फैक्टर, आ गया 1+0.7 इट इज कॉल्ड जे 7π/9 -π/4, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ई की पावर जे थीटा कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर जे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड आर है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर जे आर साइन थीटा, ऐसे होता है ना सॉल्व, इसी तरह से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे रिजल्ट दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना, वैल्यू रख के सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एरे फैक्टर है, इसको वैल्यू रखकर सॉल्व करना है ना, इसको 7π/9 -π/4 आप निकाल ही सकते हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एरे फैक्टर की वैल्यू मिलेगी 1.17, ठीक है।
दिस इज फॉर जब हमने थीटा इक्वल टू जीरो रखा था, अरे ना अभी ऊपर रखा था हमने थीटा इक्वल टू आ गया, ये देखो ये थीटा इक्वल टू जीरो रखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा इक्वल टू जीरो रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि थीटा इक्वल टू जीरो डायरेक्शन में, ठीक है यार मैं कुछ किया था थीटा इज इक्वल टू जीरो डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ये टू एलिमेंट एरे अगर हमारी ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे अगर रखी हुई है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये जेड एक्सिस पर है ना, जेड एक्सिस पर थीटा इक्वल टू जीरो होता है, मालूम है ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो डायरेक्शन में इसका जो एरे फैक्टर होगा 1.2172 होगा, ठीक है ये रेफरेंस पॉइंट है ना, ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये गैप है दोनों एंटीना के बीच में, गैप कितना है d/8, λ/8 है ना, खैर गैप पे अभी मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि थीटा इक्वल टू जीरो के लिए, थीटा इक्वल टू जीरो के लिए मतलब इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आ गई 1.17 एरे फैक्टर। आगे देखते हैं, अब उसी इक्वेशन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए है ना, ये जो थीटा था यहाँ पर, ठीक है ये जो थीटा था, अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख के देखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एरे फैक्टर था हमारा 1 + 0.7 ई रेज पावर जे 7π/9 -π/4 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 180 कर देते हैं ना, 180 मतलब पाई, तो थीटा इक्वल टू पाई के लिए या 180 डिग्री के लिए 100, तो कॉस 180 कितना होता है बोलो, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 है ना, कॉस 0 1 कॉस 180 -1 होता है, तो ये वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे इसमें और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे हमको मिलेगा ये 1 + इसको जब आप पूरी तरह सॉल्व करोगे, मैं लास्ट एक्सप्रेशन दे रहा हूँ इसका, ठीक है यू कैन सॉल्व इट, एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 0.309, केवल वैल्यू रखनी है ना, या -1 रखोगे तो सॉल्व करो, जे साइन जे कॉस थीटा प्लस सॉरी आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा फॉर्मूला, ये आ गया। तो इसको मैं समराइज करूँ, अगर रिजल्ट को ध्यान देना, अगर मैं रिजल्ट को समराइज करूँ तो ये अगर मेरे दो एंटीना है ना डाइपोल जो मैंने जिनकी एरे बनाई है, तो ये जेड डायरेक्शन में तो ये जेड डायरेक्शन में मुझे मैग्नीट्यूड दे रहे 1.172 वोल्ट पर मीटर, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इसका, ठीक है उसको हम पास पास बना देता हूँ ताकि मुझे दिखाने में आसानी रहे, है ना, यहाँ पर मुझे इतना मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है लेकिन ये क्या थीटा इज इक्वल टू जीरो डायरेक्शन, जेड एक्सिस है ना थीटा इक्वल टू जीरो डायरेक्शन, और थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा सीधा माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो माइनस जेड डायरेक्शन में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ कितना मिल रहा है 0.309, तो इस डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है 0.309 वोल्ट पर मीटर, ठीक है तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जेड डायरेक्शन में ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस अरेंजमेंट को यूज करूं तो ये अरेंजमेंट बीम को जो है इस डायरेक्शन में फोकस कर,
पीछे मैग्नीट्यूड कम मिल रहा है, 0.3 मिल रहा है, यहाँ पर 1.17। तो बीम को इस डायरेक्शन में फोकस कर, मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन के साइड में फोकस कर रहा है, राइट। बोलो भाई बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको इतनी? दिस अरेंजमेंट है ना, यस सर। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है जिसमें मैंने 0.7 और करंट मैंने कितनी थी 0.7 एंगल 7.5/9, इसका मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इस बीम को इस साइड रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन फोकस कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साइड, है ना। तो इट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्ट, दिस एलिमेंट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्ट, क्योंकि अपनी साइड में कम ले रहा है ये वैल्यू, है ना, और अपोजिट साइड में ज्यादा वैल्यू, इट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्टर, ये वाला जो है ना, ये तो हाई डाइपोल है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सपोज अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं थोड़ा सा उसको एलिमेंट को चेंज करता हूँ, है ना, कहीं चेंज करता हूँ, अगेन मेरे पास वही दो एंटीना है ना, गैप डी है, ठीक है, डी उतना ही है, लैम्डा बाई 8, ठीक है। अब मैं केवल क्या चेंज कर रहा हूँ, ये तो I1 है मेरा 1 एम्पियर, ये जो I2 है सेकेंड एंटीना में जो फीड जा रहा है ना, ये तो I1 है 1 एम्पियर, अब इसमें जो फीड जा रहा है इसको लिखा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, इसको तो इसमें जो फीड जा रहा है I2 करंट जो जा रही है, इसको सपोज मैं लेता हूँ वही 0.7 एम्पियर, बट एंगल इज -7.5 एम्पियर, मतलब फेज लैग ले लिया, वहाँ फेज लीड था, यहाँ इसकी करंट लैग कर रही है, ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने इसमें जो फीड जा रही है करंट, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब इसका असर देखते हैं क्या आएगा, तो असर इसका क्या होगा हमारे एरे फैक्टर पर, एरे फैक्टर में हमारा आता था 1 प्लस 0.7 e raised power j 7π/9 -π/4 cos of theta। अब ये एंगल मैंने ले लिया माइनस, है ना, ये एंगल माइनस ले लिया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें हम थीटा इक्वल टू 0 रख करके, है ना, जेड डायरेक्शन में बीम देगा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 0 पर कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा विल बी 0, ठीक है ना। तो इन सच केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हम कॉस 0 पुट करेंगे तो हमारा एरे फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस 0.7 e raised power -sin कॉमन ले लेता हूँ मैं, j 7π/9 + π/4 cos of 0, cos 0 1, सॉरी मैंने cos 0 को 0 लिख दिया, cos 0 इज 1, है ना, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1, तो 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 तो हटाई देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे पहले की भांति, पहले की तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो हमें एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा अगेन 0.309, ठीक है। अब ध्यान दो, थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन में एरे फैक्टर एम्पलीट्यूड हमको मिल रहा है 0.309, इसका मतलब ये जो एंटीना रखे हैं अब जेड डायरेक्शन में हमको कम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, 0.3 मिल रहा है, ठीक है। वन एटी डिग्री पर देखते हैं क्या मिलता है, सपोज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करें हम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करते हैं, तब क्या होगा, कॉस 180 माइनस 1, माइनस 1 को पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में कॉस थीटा की जगह पर,
है ना, क्या आएगा हमारा एरे फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस 0.7 ई रेज पावर माइनस साइन, हमने यहाँ कॉमन ले लिया था है ना, ठीक है ना, ई रेज पावर माइनस जे 7 पाई बाई 4 प्लस 5 बाई 4 7 पाई बाई 9 पाई है ना इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, तो क्या जाएगा 1 प्लस 0.7 ई रेज पावर जे 7 पाई बाई 9 प्लस 7 पाई प्लस 5 बाई 4, ठीक है। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपको मिलेगा इसका एम्पलीट्यूड, आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको 1.172, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, जेड इज इक्वल टू 180 की डायरेक्शन में, ध्यान दो है ना, जेड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब अगर ये हमारा ऐसे रखा हुआ है रे, तो ये तो होगी जेड इज इक्वल टू, ये तो थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन होगी, थीटा होता है 180 का, तो ये माइनस जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमको एम्पलीट्यूड ज्यादा मिल रहा है ना। अगर मैं समराइज करूं तो आई कैन से थोड़ा बिगर बना देता हूं, ठीक है, तो अब की बार जब मैंने करंट को ऐसे लिया है, जब मैंने इसकी करंट लैग ले लिया है ना, I2 इज इक्वल टू 0.7 एंगल, ठीक है, कम ले जाता, इसकी करंट जो है मैंने लिया I2 इज इक्वल टू 0.7 एंगल -7 का। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो एरे है तो I1 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कम वैल्यू दे रहा है 0.309 दे रहा है, और माइनस जेड डायरेक्शन में और थीटा इज इक्वल टू 180 डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो कहना 1.1। तो अगर हम इसका बीम देखें तो इसका अगर हम बीम देखेंगे तो बीम किस तरह का, ठीक है, तो इसको करंट, इस एलिमेंट को, तो बच्चों इस एलिमेंट को जब हमने करंट, वही सेम करंट अगर हमने लैगिंग में दी, तो लैगिंग देने पे क्या, इसने अपनी साइड में फोकस कर दिया इसको भी, आप देखो है ना, अब इसकी इस डायरेक्शन में जिस तरफ ये एलिमेंट है हमारा, इस डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नीट्यूड मिल रहा है 1.2। तो अब ये डायरेक्टर का काम होगा है ना, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन में फोकस किया बीम को, तो सेकेंड एलिमेंट फोकस द बीम है ना, बीम इन इट्स ओन डायरेक्शन है ना, सो इट इज गिविंग अस डायरेक्टर, तो डायरेक्टर एलिमेंट तरह से काम, पहले क्या था रिफ्रैक्टर एलिमेंट तरह काम कर रहा था, क्योंकि हमने इसको फेज लाइक जो फेज लीड में दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट जो है ये तो हमारी I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। अब इसमें जो हम I2 देते हैं, सपोज 0.7 तो हम दे रहे हैं, इसमें जो फाई देते हैं एंगल ना, फेज एंगल अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू का खेल है ना, अगर मैं इसको +7 पाई बाई 9 दे दूं तो ये बीम इस डायरेक्शन में फोकस करता है, और अगर मैं इसको -7 पाई बाई 9 दे दूं तो ये बीम बीम को इस डायरेक्शन में फोकस करता है ना, इस डायरेक्शन फोकस कर देता है ना, तो यू कैन सी तो ये इसी इसी से डिपेंड है। तो अगर हम तीनों इलिम अगर हम तीनों तीनों कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ यूज कर लें, है ना, जैसे हाँ ये मेरा एक एलिमेंट है, एक मैं पीछे लगा दूं, एक मैं आगे लगा दूं, ठीक है, और
इनको मैं प्रॉपर करंट दे दूं, प्रॉपर करंट अगर दे दूं तो मुझे जैसा मैं चाहता हूं है ना वैसा मिल सकता है। ध्यान, प्रॉपर करंट वाला कैसे, देखो डायरेक्टर कब बनता है, जब इसकी करंट, ये तो हमारा है I1 = 1 A। डायरेक्टर कब बनता है, जब इसकी करंट जो होती है 0.7 और -7π/9, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टर कब बनता है, I2 = 0.7 + 7π/9, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये बन गया रिफ्लेक्टर, ये बन गया डायरेक्टर, ये अपनी साइड खींचेगा बीम को, ये भी ऊपर की तरफ जेड एक्सिस की तरफ, ये भी ले जाएगा अपनी तरफ, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम करेगा, ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव फेज एंगल दिया या नेगेटिव फेज एंगल दिया है तो ये ऊपर खींचेगा। सब मिला करके इधर फोकस करेंगे और आपको ज्यादा फोकस बीम मिलेगा, मोर फोकस बीम है, तो मोर डायरेक्टिव गेन होगा ना। ऐसे एंटीना सर्चिंग ऑपरेशन। अब यागी ने जो है कुछ और एक्सपेरिमेंट किया इस पर, यागी ने इसको सिंप्लीफाइड बनाया। यागी ने कहा कि अगर हम जो है अगर हम क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है ये, इसको अगर मैं लेंथ रखूं 0.47 लैम्डा और सेकेंड एलिमेंट है इसकी अगर मैं लेंथ कर दूं 0.504 लैम्डा, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इससे, है ना, इस बीम से थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। और दोनों के बीच का गैप अगर मैं λ/8 जैसा हमने देखा था वही रखूं, तो उसने कहा था कि ऐसा रखने पर हमको जो है ना कभी ये रिफ्लेक्टर की तरह से काम करता है, खाली इतना करने पर, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको बेचा गया, तो फीड हमें एक ही जगह देना पड़ रहा है, I1 = 1 A, दूसरा ये अपने आप इसी तरह से बिहेव करता है, इसमें अपने आप करंट इससे इंड्यूस हो जाती है और ये अपने आप इसको एज ए रिफ्लेक्टर काम, इस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया फेज लैगिंग वाले के लिए, तो हो गया रिफ्लेक्टर वाला काम हो गया। अगर थोड़ा बड़ा बना दें इसको तो भी ये रिफ्लेक्टर का काम करता है ना, बिगर बनाते हैं दूसरा एंटीना सेकंड एलिमेंट पर, बिगर बना दें तो खाली सिंपल वायर रखने पर भी ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा। अब डायरेक्टर के लिए उसने कहा कि डायरेक्टर के लिए क्या करें, तो डायरेक्टर के लिए उसने कहा कि भाई फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं 0.47 रखा था ना यहाँ पर, यहाँ अगर 0.46 लैम्डा रखूँ फर्स्ट एलिमेंट को, और सेकेंड एलिमेंट को अगर मैं क्या कहते हैं 0.4 छोटा कर दूँ, 0.442 लैम्डा कर दूं सेकंड एलिमेंट को, छोटा कर दूं 0.442 लैम्डा और बीच का गैप वही रखूं λ/8, तो यहां मैं करंट फीड करूंगा फर्स्ट एलिमेंट में I = 1 A और ये डायरेक्टर का काम करेगा, मतलब इस साइड बीम फोकस ना इस डायरेक्शन में। तो ये उसने देखा कि इनको फीड देने की जरूरत नहीं, अगर हम इनको थोड़ा सा इससे छोटा बना दें डाइपोल से एक को और एक को थोड़ा बड़ा बना दें तो ये जरूरत नहीं पड़ती फीड देने की, गैप रखे λ/8। तो उसने तीनों कॉम्बिनेशन बनाया, एक को डायरेक्टर की तरह एक को रिफ्लेक्टर की तरह, तीनों कॉम्बिनेशन उसने कहा ये आया, तीनों कॉम्बिनेशन रखने के लिए उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किए एंड देन ही टोल्ड कि भाई अगर हम मिडल एलिमेंट को, मेन एलिमेंट है जिसको हम करंट फीड करते हैं I = 1 A, तो इसको अगर हम 0.47 लैम्डा ले लें, ठीक है, और रिफ्लेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना लें 0.48 लैम्डा, 0.482 लैम्डा, ठीक है, और डायरेक्टर छोटा कर दें जैसे हमने देखा था 0.44 लैम्डा, डायरेक्टर कर दें 0.44 लैम्डा, 0.442 लैम्डा। तो उसने कहा कि तीनों एक ही डायरेक्शन में बीम, ये तो रिफ्लेक्टर काम करेगा बड़ा है, ये छोटा है अपने डायरेक्शन भी, तो तीनों का बीम इधर ही मिलेगा इस डायरेक्शन में फोकस कर, है ना, तो इट विल बिहेव लाइक अ ग्रेट डायरेक्शनल एंटीना, ठीक है, जेड डायरेक्शन, ठीक है। और बीच का गैप कितना रखें, बीच का गैप इसने कहा कि भाई
लगभग 0.2 से 0.25 लैम्डा के आसपास रख सकते हैं ना, लगभग 0.25 लैम्डा है ना, लैम्डा बाई 4 के करीब, यहाँ पे भी लैम्डा बाई 4 के करीब। अगर हम ये रखें तीनों को एक साथ करें तो हमें जैसा हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं यागी उदा एरे, ठीक है। तो आज बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ आपको, थर्ड ईयर के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ना है ना। क्या काम दे रहा हूँ, यागी में हमने देखा कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसको हम करंट देंगे, बाकी हमने केवल वायर रख दिया। यहाँ पे फाइनली पहुंचे, यहाँ पे वायर रख, ये वायर है 0.442 लैम्डा का, ये वायर है हमारा 0.482 लैम्डा, ठीक है। ये हमारा 0.47 लैम्डा एक्चुअल डाइपोल जिसको हम करंट देंगे, ठीक है ना। तो जिसको हम करंट दे रहे हैं ये हमारा डाइपोल एज सच यूज नहीं होता है, हमें जो हम यूज करते हैं ऐसे भी यूज होता है, लेकिन एक खास तरह का डाइपोल है जो यूज होता है उसे हम कहते हैं फोल्डेड डाइपोल। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, फोल्डेड डाइपोल। इसकी जगह पे ये ना यूज करके हम क्या करते हैं, फोल्डेड डाइपोल, इसको यहाँ से ऐसे वायर को घुमा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोल्डेड डाइपोल। तो ये फोल्डेड डाइपोल क्या है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको जो है ना फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड इट मैं क्लास में भी कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से थोड़ा सा कोशिश करें, तो दिमाग खुलता है, ठीक है। कुछ खुद से करते हैं तो दिमागी एक्सरसाइज होती है, ठीक है बच्चों। तो मैं बाद में क्लास में कराऊंगा इसको, ओके सर, हाँ यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। सर 5th सेम का रिजल्ट कब आएगा?